हिमाचल के पंचायती राज्य मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक दिवसीय दौरा किया। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक केएल ठाकुर के घर अंद्रोला पहुंचने पर मंत्री का स्वागत किया गया। उसके उपरांत जगतपुरा में पंचायत द्वारा बनाई जा रही गौशाला के भवन की आधारशिला रखी गई। इस दौरान नालागढ़ के विधायक राणा लखविंदर व पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने मंत्री को सम्मानित किया। पंचायती राज विभाग मंत्री हिमाचल प्रदेश वीरेंद्र कंवर ने नालागढ़ का एक दिवसीय दौरा किया, जिस दौरान मंत्री पंचायती राज विभाग से संबंधित कई परियोजनाओं के शिलान्यास किए। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक के एल ठाकुर के घर अंद्रोला पहुंचने पर मंत्री का स्वागत किया गया। उसके उपरांत नालागढ़ के विधायक राणा लखविंदर और पूर्व विधायक के एल ठाकुर ने जगतपुरा में मंत्री को सम्मानित किया। उसके उपरांत जगतपुरा पंचायत द्वारा बनाई जा रही मुख्यमंत्री लोक भवन तथा कश्मीरपुर पंचायत में कम्युनिटी सेंटर व बथुआ में आंगनबाड़ी भवन के अलावा महादेव में बायोगैस व नवागांव में संपर्क सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान पंचायती राज विभाग मंत्री हिमाचल प्रदेश वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला, बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला व काउ सेंचुरी के माध्यम से उनका संरक्षण करने जा रही है। पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिला में बेसहारा और मेरे ख्याल मेरे को लगता है 100 बीघे से ज्यादा है ये गवर्नमेंट लैंड होगी, 150 बीघा। और मैंने आते ही गुप्ता जी यहाँ पर आए, मैंने कहा इसके तुरंत जो है वो पेपर तैयार करिए, हम यहाँ पर छोटी भी बड़ी गौशाला जो है यहाँ पर बनाए। हम आने वाले समय में और भी निर्णय ले रहे हैं कि जो गौ वंश जो जो गौशालाएं जो सामाजिक तौर पर जो है वो ऐसी संस्थाएं जो चला रही है सरकार जो है वो उसके में भी जो है उनको सहयोग के रूप में जो है कुछ राशि जो है वो एक अंशदान जो है वो सरकार भी जो है उसमें देगी। आपने कहा है कि यहाँ पर एक अलग शेड चाहिए, तो तुरंत वो शेड बनाने के लिए भी मैं जो है वो मैं 10 लाख रुपए जो है वो मैं आपको जो है सब्सक्राइब करता हूँ। बाकी आज बहुत ज्यादा बना दो और इसको जो है वो हम एक बड़ी गौशाला जो है वो आपके यहाँ पर बना। और हमारी ये कोशिश है कि जो अच्छी गौशाला चल रही है उसमें गाय रहे और ये जो बैल है इनको हम गौ सेंचुरी में भेज देंगे और जो जर्सी है उसको हम गौ सेंचुरी में भेज देंगे, लेकिन जो देसी गौ है उसको उसका संरक्षण भी हम करेंगे, हम उसको बचाएंगे, हम उसकी जो है वो नस्ल में सुधार करेंगे। अब वो दो दो चार चार लीटर दूध देने वाली गाय ना रहे बल्कि 20 और 25 लीटर दूध देने वाली गाय बने, हम ऐसा जो है वो व्यवस्था जो है वो आने वाले समय में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत नालागढ़ का प्रवास है, नालागढ़ के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र का भी प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर ऐसी 2018-19 में ऐसी 30 से ज़्यादा योजनाएं जो थी वो जनता को समर्पित की थी, उसमें से एक लोक भवन की है जिसमें लैंड ट्रांसफर में थोड़ी देरी हो गई और जिसके कारण आज जो है वो इसका जो है वो शिलान्यास हुआ है। और ये जो ऐसा लोक भवन जब बन करके तैयार होगा जो स्थानीय जनता के लिए जहाँ छोटे छोटे सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए विवाह शादियों की कार्यक्रम करने के लिए जो है वो उपयोगी जहाँ सिद्ध होगा, वहीं पर एक हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो योजना है कि जो हमारा बेसहारा गौवंश है उसको सड़क की बजाय हम उसको जो है वो उसका जो है वो गौशाला तक जो है वो पहुँचाएंगे, उनको जो है वो आश्रय स्थल देंगे। तो हमने ये योजना तय की थी कि हम गौ सेंचुरीज बनाएंगे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरमौर में कोटला ब्लॉक में वो बन करके तैयार हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी शीघ्र ही उसका लोकार्पण भी करेंगे। आपके यहाँ पर हांडा कुंडी में एक बहुत बड़ी 200 बीघा के अंदर जो है वो गौ सेंचुरी बन रही है और जो भी काम जो है वो प्रोसेस में है अंतिम चरण में है और मैंने उनको 15 फरवरी का समय दिया है कि 15 फरवरी तक वो भी बन करके तैयार हो जाएगी। और इसी तर्ज के ऊपर जो है वो आज यहाँ गांव जगतखाना जगतपुर के
लोगों ने भी ये आग्रह किया है कि यहाँ पर जमीन अच्छी है, मकबूल है, और यहाँ पर भी अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती है तो हमने विभाग को कह दिया है कि तुरंत इसकी लैंड ट्रांसफर करिए और इसका तुरंत एस्टिमेट बना करके जो है वो हमें उपलब्ध करवाएं। हम इस यहाँ पर भी एक बड़ी गौ सेंचुरी जो है वो यहाँ